सदियों पुरानी कब्रों से खजाने की तलाश या मामला कोई और। कराची गड्डाप में 400 साल पुराने कब्रिस्तान से इंसानी ढांचों की चोरी का इंकशाफ हुआ है। कब्रिस्तान से नामालूम अफराद ने कब्र खोदकर इंसानी हड्डियां चुरा ली। पुलिस के मुताबिक मुमकिन है कि खजाने की लालच में कब्रें खोद दी गई हों। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये गडाप काठोर गुरबानों के वक्त में वाकया 400 साल पुरानी ये कब्रें हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि जब वो वहां से गुजरे तो हड्डियां जो है कब्र के करीब बिखरी हुई पड़ी थी, जबकि जो मुतअद्दिद इलाका मुखियों ने कहा है कि ये हड्डियां जो है चुराई गई हैं। पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इलाके में ये बात मशहूर है कि इन कब्रों में खजाना छुपा हुआ है और हो सकता है कि किसी ने खजाने के लालच में इन कब्रों की खुदाई कर दी हो। और ये पुलिस का कहना है कि इलाका पहाड़ी इलाका है, आमतौर पर यहाँ से किसी का गुजरना होने के बराबर है। एक चरावे ने इलाका मकीनों को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने कब्रिस्तान का दौरा किया है। 400 साल पुराने कब्रिस्तान में ये 13 कब्रें मौजूद हैं, सिर्फ एक कब्र खुदी हुई मिली है। और बाद में जो है इलाका मकीनों ने जब इतला दी है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने कोई नहीं आया। लेकिन इस मामले की पुलिस अपने तौर पर तहकीकात कर रही है और मालूम हासिल करें, कोई ठोस शवाहद मिले तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।